शायकी ने क्रिकेट के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी, पाकिस्तान क्रिकेट तारीख के नहायत स्टाइलिश और क्लासिक ओपनिंग बैट्समैन सईद अनवर के वनडे कैरियर की एक उम्दा यादगार इनिंग्स को पेश करने जा रहा है। ताम इससे पहले मुख्तसरन सईद अनवर के कैरियर के कुछ यादगार रिकॉर्ड बिलखसूस उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर्स के लिए पेश करते हैं। सईद अनवर का पाकिस्तान क्रिकेट तारीख में सवल अवल के बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैनों में शुमार होता है। सईद अनवर ने 55 टेस्ट मैचेस में 4,052 रन बनाए, जिसमें 11 सेंचुरियां और 25 निसफ सेंचुरियां शामिल हैं। इनका टेस्ट मैचेस में 188 नाकाबिल शिकस्त स्कोर टॉप स्कोरर रहा, जबकि 146 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जिसमें शानदार 30 सेंचुरियां और 51 फिफ्टियां भी शामिल हैं। वनडे कैरियर की टॉप स्कोर और हाईएस्ट इनिंग्स इंडिया के खिलाफ 21 मई 1997 को इंडिया के शहर चेन्नई में पेप्सी इंडिपेंडेंस कप में 22 चौकों और 5 छक्कों की शानदार धुआंधार 194 रन की इनिंग्स खेली। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट के नुकसान पर मुकर्रर 50 ओवर में 327 रन बनाए, जिसमें सईद अनवर के वनडे मैचेस की कैरियर की 194 रन की तूफानी इनिंग्स भी शामिल है। इनकी उम्दा जायराने बैटिंग के सामने इंडिया की मजबूत बॉलिंग लाइन बिल्कुल बेबस नजर आई। उन्होंने विकेट के तमाम तरफ दिलकश स्ट्रोक्स खेले, जिसमें 22 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल हैं, जबकि जवाब में इंडिया की पूरी टीम 49.2 ओवर्स में 292 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानब से मुमताज फास्ट बॉलर हाकिम जावेद ने उम्दा बॉलिंग करते हुए इंडिया के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। यह मैच पाकिस्तान ने 35 रन से जीत दिया। मैच में सईद अनवर की उम्दा कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी होने का एजाज दिया गया। जो शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कन थे, जब वो आमिर सोहेल के साथ मिलकर कई यादगार पार्टनरशिप्स की और वनडे में पाकिस्तान बैट्समैनों की लिस्ट में 30 सेंचुरियों के साथ सरफहरिस्त हैं, जिसमें इंडिया के खिलाफ 2003 के वर्ल्ड कप की शानदार सेंचुरी भी शामिल है। आज भी शायकीन क्रिकेट सईद अनवर की उम्दा और जायराना स्ट्रोक्स की तारीफ करते नजर आते हैं। इनके कैरियर का आगाज कुछ अच्छा नहीं था, ताहम उन्होंने जल्द ही शारजा में 1993 में लगातार 3 सेंचुरियां बनाकर पाकिस्तान टीम में अपनी जगह मजबूत कर ली, और जहीरेबाज के बाद वो वाइज बैट्समैन हैं जिन्होंने अभी तक लगातार 3 सेंचुरियां बनाकर रिकॉर्ड कायम किया।
अनवर ने 2003 में क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंसेस के बावजूद अपने क्रिकेट कैरियर को खैरबाद कह दिया। बादजा अपनी जिंदगी को इस्लाम की तबलीग जैसे अजीम काम के लिए वक्फ कर दिया। उनकी क्रिकेट की खदमात पाकिस्तान क्रिकेट तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। ताहम उनकी इस्लाम की तबलीग के काम को तमाम मुसलमान बहुत इज्जत व तौकीर की निगाह से देखते हैं और उनकी तबलीग के काम में भरपूर मेहनत के नतीजे में कसीर तादाद इस्लाम के इस अजीम काम की अशात में शामिल हो चुके हैं और कई लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया, जिसमें पाकिस्तान स्टार बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ भी शामिल हैं। इस वीडियो में उनके एक शानदार बयान और एक पाकिस्तान के नामवर स्पिनर सकलैन मुश्ताक के बारे में कुछ सबक आमोज बातें सुनते हैं। मैं अभी वाकया सुनाने लगा, भूल गया। हमारे एक खिलाड़ी है सकलैन मुश्ताक, नाम सुना है भाई? जुनेद जमशेद और हमारे साथ इसने 4 महीने लगाए, हम 7 महीने में थे। हाजी वहाब साहब और पोंजो हाजी हाफिज पटेल साहब थे, उनका इसको 4 महीने लगवाओ अपने साथ। जब 4 महीने लगा के गया, इस पे बैंक का सूद बहुत ज्यादा था। इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी सारी ख्वाहिशात निकाल दी। बहुत थोड़ा, एक घर इंग्लैंड में रह गया, एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रह गया, एक एक गाड़ी रह गई, सारा खत्म हो गया। और घुटने खराब हो गए, दोनों घुटने का ऑपरेशन हो गया। और क्रिकेट के अलावा उसे कुछ आता नहीं। अब बेसाखियां थी, लेकिन वो मस्जिद का, मैंने उससे कहा कि सकलन तू मस्जिद का खूंटा बन जा, अल्लाह सारे काम करेगा तेरे। वो मस्जिद को रोजाना 6 से 8 घंटे देता था और मस्जिद में दावत, जाके दावत बाहर देता था, मस्जिद में तालीम ईमान के हल्के सब मस्जिद में 6-8 महीने। अब दोनों घुटने उसके टूट गए, वो तो चल भी नहीं सकता, मस्जिद जाके बैठ जाता। सकलैन के साथ क्या हुआ, जब उसकी फिजियोथेरेपी हुई, घुटने कुछ सही हुए, चलने के काबिल हुआ, तो वहां एक टीम है लैशिंग्स, एक क्लब है, वहां से खड़े खड़े बॉलिंग करता था। इसको कुछ पैसे मिलते थे थोड़े, लेकिन 30 लाख रुपए उतार रहा था सूद का और रोजाना रोता था, या अल्लाह ये अल्लाह रसूल से जंग है, मेरे पर सूद है, मैं कैसे उतारूंगा, अल्लाह मदद कर। मस्जिद का काम करता रहा। क्या हुआ कि चंद दिनों बाद क्या हुआ, जो इसकी काउंटी थी सरे की, उसने फोन किया कि सकलैन हम काउंटी जीतने वाले हैं, हमारे बॉलर 6 अनफिट हो गए, तुम हमारे तरफ से खेलो। उसने कहा भाई मैं तो खड़े खड़े बॉलिंग करता हूं, मैं तो दौड़ नहीं सकता, काउंटी के मैच तो टीवी पे आते, मैं तो जलील हो जाऊंगा। मैं इंग्लैंड में ही था, मैंने सकलैन से आया, मेरे पास फोन आया, मैं कहा तेरे पास मैं आता हूं, मैं चला गया ड्राइव करके। मैंने सकलैन से कहा क्या हुआ, कहा सईद भाई ऐसे ऐसे मुझे 50 लाख की ऑफर है, लेकिन हफ्ते में 5 दिन खेलना है, 4 डे वनडे मैच, 4 डे मैच 1 डे मैच, 6 दिन खेलना है और 1 दिन आराम है, 24 दिन खेलना है, 6 दिन आराम है। ये तो पहलवान नहीं खेल सकते, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं क्या करूं। मैं कहा सकलैन तू अल्लाह के दीन का काम कर रहा, अल्लाह तेरा काम करेगा, तू बिस्मिल्लाह करके जा। वो कह रहे हम दौड़ेंगे, तू खड़े खड़े बॉलिंग कर। सकलैन गया मैच खेल, 24 दिन खेलना था और पहले दिन टॉस जीत के इनकी बैटिंग आई, इन्होंने 450 रन किए कोई 1.5 दिन में। शाम में 2 घंटे रह गए, टीम ने बैटिंग दी, बॉलर ने बॉल की, आखिरी आधे घंटे में कप्तान ने बुलाया सकलैन आओ कुछ ओवर करो। सकलैन चलते हुए आया, खड़े खड़े बॉलिंग की, 2 बॉले हुई हैं, अल्लाह ने बादल भेजे, बारिश हुई। सकलैन ने कहा सईद भाई अल्लाह ने 22 दिन बारिश बरसाई है, कोई मैच मुझे खेलना नहीं पड़ा और 50 लाख भेज के मेरा सारा सूद उतरवा दिया। अल्लाह मेरे प्यारों काम करते हैं, इन तंसला यंसुरकुम, तुम अल्लाह का काम करो, अल्लाह तुम्हारा काम। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तमास से कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स टीवी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।